हाय फ्रेंड, मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ डिलीशियस किचन माय सुरभि में। मेरी कोशिश है बहुत सरल तरीके से रेसिपीज़ बनाने की कि हम होटल का मजा घर में ही लें और घर के ही सामान से हम बहुत अच्छी रेसिपीज़ बना सकें। तो चलिए आज फिर कुछ और नया अच्छा सा बनाते हैं। तो देखिए जी, ये नूडल्स की पूरी तैयारी हो गई है। आप किसी भी टाइप के ऐसे इस तरीके के नूडल्स ले लें। ये कच्चे नूडल हैं, इनको मैं बॉईल करूंगी। और ये मैंने कुछ घर की जो नॉर्मल सब्जियां होती हैं वो ले ली हैं। एक बाउल भर के मैंने ले लिया है पत्ता गोभी, इसे बारीक काट लिया है। ये मिक्स वेजिटेबल हैं, जो आपके यहाँ अवेलेबल है वो सारी वेजिटेबल ले सकते हैं। मसाले के लिए आप घर में जो हर जगह अवेलेबल होता है मैगी मसाला, आप इसे भी डाल सकते हैं। और जो चाउमीन मसाला आता है आप उसे भी डाल सकते हैं। जो आपके शहर में आपके गांव में जो अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे पानी में उबाल आ गया है और मैं इसमें सारे नूडल्सों को डाल देती हूँ। मैंने नमक डाल दिया है बहुत थोड़ा सा, एक दो चम्मच आप तेल डाल दें और जिससे ये होगा कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और इसे हमें बहुत 100% नहीं पकाना है, हम इसे ओनली 50% पकाएंगे, क्योंकि ये बाद में अपने आप भी थोड़े पक जाते हैं और फिर थोड़ा हमारी कढ़ाई में हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से इनको हार्डली 2 मिनट लगेंगे और ये पक जाएंगे। सो फ्रेंड, ये देखें हमारे नूडल्स ऑलमोस्ट 50% रेडी हो गए हैं। मैंने गैस बंद कर दिया, अब इनको मैं पसा लूँगी और थोड़ा सा एक बार पानी से इनको धो लूँगी। तो और ये ठंडे पानी को मैं अच्छे से इनके ऊपर डाल दूँगी तो ये एकदम बढ़िया हो जाएंगे। तो ये मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। इसका पानी निकलने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और इन्हें अच्छे से हाथ से मिक्स कर दें, ऊपर नीचे कर दें। तो ये देखें कितने खिले खिले नूडल्स बने हैं। तो हमें इतना ही पकाना है, 2 टेबल स्पून ऑयल। अब हम बना लेते हैं फटाफट अपने नूडल्स। ये देखें ये वेजिटेबल है, तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, ये देखें, और ये डाल दी मैंने गाजर। इसको हल्का सा अलट पलट ही करना है, ये देखें, बस इतना ही हल्का अलट पलट करना है। साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें शिमला मिर्ची। आप बीन्स डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो वेजिटेबल आप इसमें डाल सकते हैं। ये फटाफट 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। ये हो गई हमारी गाजर, अब हम डाल देंगे इसमें पत्ता गोभी। ये एक साथ मैंने इसमें पत्ता गोभी डाल दी, हल्का सा मैंने इसको चला दिया। मैं इसमें डाल देती हूँ नूडल्स, जो हमने एक पैकेट नूडल्स लिया है, हक्का नूडल्स, कोई भी नूडल्स जो आपके यहाँ पे अवेलेबल हो वो नूडल्स लिए हैं। साथ में मैं ये डाल रही हूँ मैगी मसाला, ये देखें। साथ में मैं ये डाल रही हूँ नींबू का रस, आधा नींबू का रस है। ये चिल्ली सॉस डाल रही हूँ, जितना तीखा आपको चाहिए। आप हरी मिर्ची भी इसमें काट के डाल सकते हैं। थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया, स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे नमक। और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्ची। तो ये देखें ये बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो गए, इनको मैं कर देती हूँ मिक्स। ये देखें हमारे नूडल्स हो गए बिल्कुल रेडी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ये हरी प्याज। ये हरी प्याज ले ली मैंने, इसको छोटा छोटा सा काट लिया है। ये प्याज डाल रही है और ये बहुत थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, ये अजीनोमोटो है, आप देख सकते हैं मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। तो ये अजीनोमोटो भी आप इसमें डाल दें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मिक्स कर दूंगी और हमारे नूडल्स एकदम हो गए खाने के लिए रेडी। ये देखें कितना बढ़िया कलर आ गया इसका और बन के एकदम मस्त रेडी हो गए। अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। सो फ्रेंड, ये देखें ये हमारे नूडल्स बिल्कुल देसी स्टाइल में कलरफुल नूडल्स हो गए एकदम तैयार, और इन्हें हम दे देंगे बच्चों को खाने के लिए, जो बहुत शौक से खाएंगे। तो ये नूडल्स हो गए रेडी। अब इसी के साथ हम बनाते हैं और एक अलग से रेसिपी। सो फ्रेंड, ये नूडल्स के साथ में हम बनाते हैं अपने बढ़िया से बुलेट बर्गर, बड़े मज़ेदार लगते हैं। नूडल्स के साथ ही हम बनाएंगे इनको। नूडल्स जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेडी हैं और ये मैंने आलू को अच्छे से बॉईल करके और कद्दूकस कर लिया है। इस तरीके से आप कद्दूकस कर लें। और ये ले लिए हैं मैंने बर्गर, आप किसी भी टाइप के बर्गर ले सकते हैं। और इनको इस तरीके से 2 पीस में आप कर लें। हम बना रहे हैं बुलेट बर्गर, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा। इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्ची। अब इसको अच्छे से मिक्स करके
आप इसमें सूजी मिला सकते हैं, ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं, आप ब्रेड भी मिला सकते हैं। तो आप ब्रेड क्रम्स डालें तो ब्रेड क्रम्स डाल लें, नहीं तो 2 चम्मच इसमें सूजी डाल लें या किसी टाइप का आटा डाल लें, मक्का का आटा डाल दें। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स और इसको पैटी टाइप में बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से इसे हमें बर्गर के ऊपर रखना है, तो ये आप इस तरीके से इसको बना लें। ये देखें ये मैंने टिक्की बना ली है, ये देखें ये टिक्की बना ली है और इनको मैं डाल रही हूँ अभी कढ़ाई में। तो हमें इन्हें अच्छे ब्राउन होने तक सेकना है। टिक्की हमारी हो गई है, सिक्के बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं बहुत करारी मैंने एकदम ब्राउन कलर की टिक्की बना ली है। सो अब हम करते हैं अपने बर्गर की तैयारी, जो हम तवे पे तैयार करेंगे। सबसे पहले ये बर्गर मैंने ले लिया है, ये बर्गर पर मैं लगा लूंगी बटर। ये बटर मैं बर्गर पर लगा रही हूँ अच्छे से, बटर हमें इसे कवर करना है। आप चाहे मलाई लगा सकते हैं अगर आपके पास में बटर ना हो तो। ये दोनों साइड से जो ऊपर नीचे का जो बटर का इसका जो बर्गर का पोर्शन होता है इसमें हम लगा लेंगे अच्छे से बटर। बटर लगाने के साथ ही हम इस पर थोड़ा सा लगा देंगे सॉस, चटनी लगा दें। ये देखें ये चटनी लगा दी है, ये हरी घर की चटनी है, अगर बच्चे पसंद करते हैं तो आप जरूर लगा दें। बिल्कुल देसी स्टाइल में हमारा बुलेट बर्गर तैयार है नूडल वाला। और साथ में हम इसमें लगा देंगे अब टिक्की, आप चाहें तो इसमें मेयोनीज भी लगा सकते हैं। ये देखें ये मैंने इसमें लगा दी है टिक्की, दोनों में जो हमने नूडल्स बनाए थे वो नूडल का ऐसा गोला बना के और टिक्की के ऊपर इसको ऐसे रख देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी सी चीज। ये देखें ऐसे अच्छे से इसमें चीज, पनीर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप लगा सकते हैं, और नहीं है तो वो भी चलेगा। सो फ्रेंड ये देखें ये मैंने रख दिए इसके ऊपर चीज, और अब इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरी टिक्की। जो हमने टिक्की बनाई थी वापस से एक और टिक्की हम इसके ऊपर रख देंगे, ये इस तरीके से चीज के ऊपर रख देंगे। ये देखें और साथ में मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ चाट मसाला, बहुत थोड़ा सा आप इसमें चाट मसाला छिड़क दें या मैगी मसाला डाल दें। ये देखें ये मैंने डाल दिया इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें बहुत थोड़ा सा अपना मैगी मसाला। ये देखें ये इस तरीके से ये डाल दिया है, अब ये हो गई है रेडी। अब इसको हम कर लेंगे बंद। ये देखें ये मैंने इसे बंद कर दिया है, अब जो हमारा नीचे से सिक गया है अब उसे मैं पलट दूंगी। ये इसकी ऊपर की साइड आ गई है और नीचे वाली साइड नीचे चली गई है। तो ये देखें ये दोनों साइड से अच्छे से भुन जाएगा, गैस मेरी चालू है तो ये नीचे से हो जाएगा एकदम बढ़िया क्रिस्पी। हल्का सा हम इस पर बटर लगा देंगे, बहुत थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऊपर से। ये मैंने बटर लगा दिया है, अब हमने जो इसमें चीज डाली है ना उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बंद कर दूंगी। बंद करके अच्छे से इसको क्रिस्पी भी हो जाएंगे और जो हमने इसमें चीज डाली है ना वो भी मेल्ट हो जाएगी, तो इसे 1 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे। सो फ्रेंड ये करीब 1 से 2 मिनट हो गए हैं और बर्गर हमारा बहुत बढ़िया एकदम जो चीज़ हमारी थी वो बिल्कुल पक के इसमें मेल्ट होके तैयार हो गई है। अब इसे हम हल्के से छुड़ा के साइड से और प्लेट में रख देंगे। बर्गर हमारा रेडी हो गया है, इसके ऊपर से थोड़ी सी चीज़ भी हम घिस देंगे। एकदम यम्मी बुलेट बर्गर हो गया तैयार, आप इसे नूडल्स के साथ एंजॉय करें। एक डिफरेंट टाइप का बर्गर है और इसे जरूर बनाएं। और बटर पेपर को हम बच्चों को टिफिन में दे रहे हैं तो ये बटर पेपर में रख के दे दें तो इसमें पानी भी नहीं निकलेगा, पसीजेगा भी नहीं और इस तरीके से ये टिफिन में आसानी से चला जाता है और बच्चे स्कूल में बहुत बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों का टिफिन बना के भी आप दे सकते हैं तो बच्चे भी स्कूल में बहुत बढ़िया एंजॉय करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।